अब अपना टॉपिक है डेप्रिसिएशन टॉपिक देखकर आपको ऐसा लगेगा मैं इलेवेंथ अकाउंटेंसी आपको पढ़ा रही हूँ हाँ एलेवेंथ अकाउंटेंसी में जो डेप्रिसिएशन था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है इलेवेंथ की अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन का अपन ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसके अकाउंट मशीनरी अकाउंट बनाना सीखे थे लेकिन यहाँ पर हम कोई मशीनरी अकाउंट नहीं बना रहे हैं यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ रहे हैं देखो डेप्रिसिएशन आप लोगों को इलेवेंथ का याद आएगा फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्सड असेट्स है ना इलेवन में आपने पढ़ा था फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्सड असेट्स अब फिक्सडसेट्स की वैल्यू में फॉल आता है किन किन रीज़न से आता है वो आपने सब इलेवन में सीखा था है ना वही वही रीजन में आपको कुछ अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ सुनना ध्यान से अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन क्यों आया तो आएगा डेप्रिसिएशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिलेशन फिक्स्ड एसेट्स से है और फिक्स्ड असेट्स मतलब कैपिटल गुड्स आप लोग कैपिटल गुड्स तो पढ़ ही चुके हो है ना फिक्स्ड एसेट्स मींस कैपिटल गुड्स तो डेप्रिसिएशन का रिलेशन फिक्स्ड एसेट्स मींस कैपिटल गुड्स से है है ना तो जिस चीज का रिलेशन कैपिटल गुड्स से है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैपिटल गुड्स है तो डेप्रिसिएशन भी अपने आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा ही आएगा क्यों आया डेप्रिसिएशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिलेशन फिक्स्ड असेट्स से है और प्रोड्यूसर के फिक्सडसेट्स मीन्स कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स किसका टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखना है और एक नई बात यहाँ पर डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल ऑफ फिक्स्ड सॉरी डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है डेप्रिसिएशन दे, का क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब नेशनल इनकम के आएंगे तब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको न्यूमेरिकल में डेप्रिसिएशन वर्ड आए क्या वर्ड क्या आएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फ़िक्स्ड कैपिटल का कंज़म्पशन हमने कितनी फिक्स्ड कैपिटल को कंज्यूम कर लिया कंजम कर लिया वही उसका डेप्रिसिएशन है वही उसकी फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के नाम से न आकर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है ना आप लोग अच्छे से नाम लर्न कर लो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से आ सकता है है ना अब क्या रीजन है डेप्रीसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ अब तीन बेसिक रीजन आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ध्यान से सुनना कि क्यों डेप्रिसिएशन लॉस ऑफ वैल्यू और फिक्स्ड असेट्स मैंने फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में लॉस आता है क्यों आता है तो फर्स्ट रीज़न आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं नॉर्मल वीअर एंड टीयर छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है फिक्स्ड असेट्स से इससे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है या फिक्स्ड असेट्स का लॉस होता है फिक्सडसेट्स का लॉस होना या फिक्स्ड फिक्सडसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होना सेकेंड पॉइंट है एक्सीडेंटल डैमेजेस यदि फिक्सड असेट्स में कैपिटल गुड्स में प्लांट एंड मशीनरी है ना आपको समझाने के लिए बता रही हूँ प्लांट में मशीनरी में एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं जिसके कारण भी उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है उसकी वैल्यू का लॉस होता है थर्ड पॉइंट अपने आप में मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है इसका अलग से क्वेश्चन आता है एक्सपेक्ट क्टेड ऑप्सुलेंस एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड से ही समझ में आ रहा है कि प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि ऐसा जो है ऑब्सुलेंस जो है होने वाला है एक्सपेक्टेड ऑप्सुलेंस है ना अब देखो इसको मैं अलग से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्सपेक्टेड ऑप्सुलेंस मीन्स विच The producers normally expected to happen. Producers को पता है कि ये होगा ही होगा और अच्छे से explain करने के पहले एक बार मैं इसको last time ले रही हूँ Depreciation is the loss of value of fixed assets in use and account of नॉर्मल वी आर एंटीयर एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस ये वन मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत है आपका अब अलग से एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस जो है अपने आप में एक थ्री मार्क्स के वेटेज का भी क्वेश्चन हो सकता है तो मैं एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस को एक्सप्लेन करी हूँ विच द प्रोड्यूसर नॉर्मली एक्सपेक्ट टू हैपन प्रोड्यूसर को पता होता है उस कि ये हो सकता है यह होगा ही होगा तो यहाँ ध्यान से सुनना इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ फ़िक्स्ड ये जो आपका है एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस ड्यू टू, टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड क्यों होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस क्या होता है ड्यू टू, टू चेंज इन टेक्नोलॉजी चेंज इन डिमांड दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो वैन दे बिकम ऑब्सुलूट और आउटडेटेड अब सुनना ध्यान से मैं पहले से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को है न क्या होता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर को पता है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी मेरे पास जो प्लांट है या मेरे पास जो मशीनरी है उसकी वैल्यू अपने आप रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने से मुझे दूसरा प्लांट खरीदना ही पड़ेगा इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोग देखो वॉशिंग मशीन सोचो आप बहुत पहले कैसी वॉशिंग मशीन आती थी जिसमें सिर्फ कपड़े वॉश होते थे ड्रायर वगैरह भी नहीं होता था फिर धीरे से कैसी वॉशिंग मशीन आई जिसमें कपड़े ड्राई भी हो जाते हैं ड्रायर भी है ना सेमी ऑटोमेटिक अब अब कैसी आने लगी ऑटोमेटिक तो जब सिंपल वॉशिंग मशीन बनती थी उसका बनाने का प्लान उसी दिन किसी काम का नहीं रह गया जब मार्केट में सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स आने लगी है ना बहुत पहले जो है मशीन्स जो जो थी वो ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक नहीं होती थी तो वो वाली मशीन्स जिस भी प्लांट में बनती थी वो प्लांट क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आया है तो वो वाले प्लांट अब किसी काम के नहीं रहेंगे फिर हम आगे बढ़ें तो सेमी ऑटोमेटिक के बाद में जब ऑटोमेटिक मशीन आने लगी तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन के प्लांट जो हैं वो आउटडेटेड हो गए है ना। हालांकि उसकी जो प्राइस होती है सेमी ऑटोमेटिक की वो कम होती है ऑटोमेटिक की ज़्यादा होती है तो अभी भी आ, जो हैं वो प, आ, आ, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स से भी बिकती हैं पर फिर भी जो सिंपल वॉशिंग मशीन है उनके प्लांट की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है है ना तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है तो पुराना जो है उस प्लांट वगैरह की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है है ना फिर चेंज इन डिमांड व्हाट डू मीन बाय चेंज इन डिमांड चेंज इन डिमांड क्या होता है मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखकर भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं जैसे पुराने जमाने की जो बाइसिकल्स थी आपको पता है ना पुराने ज़माने में कैसी साइकिल थी बहुत पहले अभी भी कुछ लोगों के पास है आप लोग उस टाइप की साइकिल आपके पेरेंट्स बोलेंगे चलो साइकिल खरीदना है तो आप तो खरीदोगे ही नहीं आप तो आप साइकिल भी नहीं खरीदना पसंद करते हो पर फिर भी यदि खरीदोगे तो वो वाली तो खरीदोगे ही नहीं है ना तो मार्केट में जो डिमांड है बाइसिकल्स की वो नई डिमांड है तो जो पुरानी बाइसिकल्स बनाने की जितने भी प्लांट है वो मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अब वो प्लांट किसी काम के नहीं है इसलिए उनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है ना तो ये सब प्रोड्यूसर को पता होता है क्या पता होता है प्रोड्यूसर्स को जैसे जैसे मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी चीज़ें क्या हो जाएंगी पुराने टाइप का कोई खरीदना पसंद भी नहीं करेगा इसलिए पुराने टाइप के प्लांट्स जो हैं वो आपके अपने आप उस नून की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी अपने आप में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं जैसे टीवी पहले कैसे टीवी होते थे ब्लैक एंड वाइट फिर कलर्ड भी आए तो कैसे होते थे फिर उसके बाद जैसे टीवी आए है ना तो फिर पुराने टाइप के टीवी वी की कोई डिमांड नहीं रही है एक दूसरे से रिलेटेड ही है कि आप देखो तो टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो डिमांड में अपने आप चेंज आएगा क्योंकि हर इंसान अपडेटेड मांगता है हर कुछ है ना तो ऐसे एक्सपेक्टेड ऑप्सुलेंस जो होता है वो प्रोड्यूसर को पता रहता है है ना तो फाइनली हम एक बार डेप्रिसिएशन माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वॉट इज मीन बाय कंजम्पशन ऑफ फिक्सड एसेट्स है ना एग्जाम में कंजम्पशन ऑफ फिक्सड कैपिटल है ना एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मीन बाय कंजम्पशन ऑफ़ फिक्स्ड कैपिटल तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको किसको इम्पॉर्टेंस देना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं है ना ऐसे समझना है और यूँ अपन इलेवेंथ के अकाउंटेंसी से क्या जानते हैं कि डेप्रिसिएशन को जानते हो और डेप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको याद हो जाए है ना The so, consumption of fixed capital or depreciation refers to loss of value of fixed assets in use on account of normal wear and tear. First point. Second point is accidental damages. And third point expect, expected or foreseen obsolescence, Okay.